एंड इट इज द लॉ ऑफ कर्मा. नेक्स्ट लॉ जो दीपक चोपड़ा ने इस किताब में शेयर किया है वह है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट. इस लॉ को लोगों के लिए समझना अक्सर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी बेस्ड है हार्डवर्क और एफर्ट के आइडियाज पर, मगर यह बताती है कि हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करते हैं तो हम हर चीज को, अपने हर काम को तरीके से समझ पाते हैं. अगर हम कभी बहुत स्ट्रगल और पेन फील करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो के विपरीत जा रहे हैं, और यह है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट. नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर. द फिफ्थ प्रिंसिपल टेल्स अस दैट ऑल डिजायर्स अपने आप को हकीकत में तब्दील करने की ताकत रखते हैं. जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो हम यूनिवर्सल फ्लो ऑफ एनर्जी में अपनी एनर्जी मिलाकर अपनी थॉट और डिजायर्स को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डिटैचमेंट. यह दिखाती है कि हमें लॉजिकल माइंड से हटकर भी सोचना चाहिए. जब हम अपने लॉजिकल माइंड से अलग होकर रिजल्ट और आउटकम्स को वैसा देखते हैं जैसा वह है तो हम यूनिवर्सल एनर्जी में बाधा नहीं बनते. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन को वैसे देखें जैसा कि वह है, न कि वैसा जैसा कि हम चाहते हैं. आखिरी लॉ और सातवीं लॉ जो दीपक चोपड़ा ने इस किताब में शेयर की है वह है द लॉ ऑफ धर्मा. दिस लॉ हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ. बाकी सभी लॉज की प्रैक्टिस करते हुए हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए, और साथ ही इस दुनिया में अपने यूनिक टैलेंट से सर्व करने की भी कोशिश करनी चाहिए. हमेशा कोशिश करें यह जानने की कि हाउ कैन आई हेल्प एंड हाउ कैन आई सर्व. तो दोस्तों, ये थी समरी दीपक चोपड़ा की फेमस किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस. आई होप ये आपको पसंद आई होगी. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और फेमस किताब के साथ, एक और बुक समरी के साथ. टिल देन, दिस इज शालिनी सिंह. टेक केयर.